हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कुछ नया सा करते हैं, आज पेंट करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ये देखो, मेरे तो सामने पेंट आ रहा है, आपके नहीं आएगा। आपको कैसे निकालना है? ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, ठीक हो गया। ऑल प्रोग्राम्स के बाद एसेसरीज़ में जाना है, ठीक है जी। एसेसरीज़ में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पेंट दिखेगा, उसको क्लिक करोगे तब पेंट खुलेगा। मेरा ऑलरेडी वहाँ पर इसलिए आ रहा था, मैंने पहले कभी खोला होगा। जब भी आप कोई एप्लीकेशन बार बार खोलते हो तो वहाँ वो बिल्कुल बिगनिंग में ही आपके यहाँ पर आ जाती है। जैसे मैंने एक्सेल बार बार खोला, पावर पॉइंट, ये सब यहीं पर आ रहे हैं। ठीक है, तो पेंट आ गया। अब पेंट में क्या होता है, इसमें आप जैसे कुछ भी जैसे स्केच बुक नहीं होती, आप कंप्यूटर की एक तरह से पेंट बुक है, ये स्केच बुक है। तो ये एक एरो वाला है, इसमें आप ऐसे ऐसे करके मतलब टच पैड पर जहाँ जहाँ पर भी आपकी फिंगर जाएगी, जहाँ जहाँ पर भी आपकी फिंगर जाएगी तो ये बनता जाएगा। ठीक है, ब्रशेज़ हैं, ब्रशेज़ में आप जैसे मर्जी ले सकते हैं। ये वाला ब्रश क्लिक किया तो ऐसा ब्रश आ गया, ठीक है, और ये वाला ब्रश किया तो ऐसा ब्रश आ गया, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ हैं, तो आप इस पर ब्रश पर क्लिक करो तो ये सब टाइप के आप इस पर क्लिक करके आप अलग अलग, आपको जौन सा भी पसंद है आप वो वाला चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ब्रश में। और उसके बाद नेक्स्ट इज़ पेंसिल, ये पेंसिल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पेंसिल की तरह ड्रॉ होगा, ठीक है। और ये है कलर, कलर उसमें ही फिल होता है, एक आप बंद फिगर में, जैसे मैंने सर्कल बनाया तो एक बंद फिगर है, इसमें आप कलर करना चाहते हैं तो कलर हो जाएगा। मैंने कलर पर क्लिक किया, अब मुझे इसको रेड करना है तो मैं रेड पर क्लिक करूँगी, एंड ये मैं इस पर इस यहाँ पर ले जाकर क्लिक कर दूँगी तो ये ऑरेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर मतलब बंद, ये खुली हुई में कैसे होगा, बंद फिगर में हो जाए ये, देखो। ऐसे ही आप कुछ भी पेंटिंग कर सकते हैं, आईज़, नोज़, मैं एप्पल बनाती हूँ जैसे, या पेंसिल को क्लिक किया, या ब्रश से भी बना सकते हो आप। मैं यहाँ पर एप्पल बना रही हूँ, ओके, ये बड़ा अजीब सा एप्पल बन गया, चलो। और मैंने फिर ये कलर पर क्लिक किया और कलर मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, तो एप्पल, ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये अगर आप ए को तो क्लिक करेंगे देन यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं, क्लिक किया और अभी हम मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। ए अभी मैं ये पिंक ब्लू है, मैं इसको ब्लैक पे क्लिक करूँगी तो ये ब्लैक कलर का आएगा, ए बी सी, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ से अपना साइज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गए, अब मैंने इसको बड़ा 26 कर दिया तो बड़ा बड़ा आएगा, ठीक है। बोल्ड करना है, बोल्ड से मोटा मोटा लिखा जाएगा, बोल्ड दबाया, अब ये मोटा मोटा लिखा जाएगा, ठीक है। कुछ भी जो क्लिक करूँगी, बोल्ड को दोबारा दबाऊँगी तो हट जाएगा, मैंने इसको दोबारा से क्लिक किया और ये हट जाएगा, फिर से मोटा मोटा नहीं आएगा। इटैलिक्स में कर्सिव हो जाता, मैंने दबाया और ये देखो अब ये कर्सिव में आ रहा सब कुछ, ठीक है। अभी इसको दोबारा से क्लिक करूँगी तो ये हट जाएगा और अब कर्सिव में नहीं आ रहा। अब मैं जब अंडरलाइन को क्लिक करूँगी तो ये जितना भी लिखा आएगा सब अंडरलाइन फॉर्म में आएगा। अब मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो अंडरलाइन फॉर्म में, अब मेरे को इसको हटाना है तो वापस से क्लिक करूँगी तो ये अंडरलाइन होकर नहीं आएगा। अगर आप किसी एक चीज़ पे, पर्टिकुलर चीज़ पे ये सब लगाना चाहते हो, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, जैसे ये अंडरलाइन नहीं है पर आप करना चाहते हो, इसको सेलेक्ट करके इसको सारे को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको सेलेक्ट करना नहीं आता, उसके ऊपर अलग से वीडियो है कि सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्लिक कैसे करते हैं, ड्रैग, सेलेक्ट, सब कुछ है उसमें, वो वीडियो ज़रूर देखें और उससे सेलेक्ट करना सीखें। तो अभी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर हम अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये अंडरलाइन नहीं था और ये अंडरलाइन हो गया, अब इसको हटा दें, ठीक है। तो ये भी हो गया अपना। उसके बाद अब हमने टेक्स्ट नहीं करना है, अगर टेक्स्ट नहीं लिखना है तो अब हम इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो अब ये हट जाएगा, हटा नहीं है, देखो ये अभी दबा आ रहा है, मतलब ये हटा नहीं है, ठीक है, हट जा रहा है, ये हट क्यों नहीं रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, हम पेंसिल पर क्लिक कर देते हैं फिर हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, कट पेस्ट वही सेम है, किसी भी चीज़ को आप सेलेक्ट करो, कट हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी, ये सब, ठीक है। उसके बाद आपने शेप्स डालनी है, आपने सर्कल बनाना, आप सर्कल बनाओ, ठीक है। जौन सा भी आप कलर चूज़ करोगे, जैसे अगर आप साइज़ चूज़ करोगे पतली लाइन वाला तो पतली लाइन वाला सर्कल बनेगा, अगर आप मोटी लाइन वाला चूज़ करोगे मोटी, उससे मोटी, देखो पीछे मोटी हो रही है, ठीक है। और उसमें फिर आप कलर कर सकते हो, कोई भी शेप आप बना सकते हो, ऐसे ही आउटलाइन कर सकते हो, फिल कर सकते हो,
तो ये सब है एक तरह से टाइम पास के लिए, अगर हमें खेलना वगैरह है तो आप यहाँ पर ये सब खेल कटारी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पेंट के बारे में, एक छोटा सा वीडियो बना बहुत था ना, पर इतना ही है पेंट का बस। ठीक है, और ये हो गया अपना पेंट के ऊपर वीडियो। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।